सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं, जिसमें राजस्थान के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई है। वहीं बीजेपी ने भी अपनी राजस्थान को लेकर दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की अगर पहली लिस्ट की बात करें तो पहली सूची में 33 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। अशोक गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं टोंक से सचिन पायलट को टिकट मिला है, लक्ष्मणगढ़ से गोविंद डोटासरा को टिकट मिला है, और यहीं आपको बताएं कि सीपी जोशी को नाथद्वारा से टिकट मिला है। अर्चना शर्मा मालवीय नगर से चुनाव लड़ेंगी, यानी कि काफी लंबे समय से कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार हो रहा था और ऐसा माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी की रैली के बाद ये लिस्ट जारी होगी, और उसी के मद्देनजर आज कांग्रेस की पहली लिस्ट राजस्थान को लेकर सामने आ चुकी है, जिसमें तमाम जो दिग्गज हैं उनको उम्मीदवार बनाया गया है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, साथ ही साथ आप देखिए सीपी जोशी को नाथद्वारा से टिकट दिया गया है, गोविंद सिंह डोटासरा को लक्ष्मणगढ़ से टिकट दिया गया है, और अर्चना शर्मा मालवीय नगर से चुनाव लड़ेगी। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी नाथद्वारा से, और दिव्या मदेरणा फिर से चुनाव मैदान में कांग्रेस की तरफ से होंगे। यानी कांग्रेस की पहली सूची में अशोक गहलोत को जोधपुर के सरदारपुर से, सचिन पायलट को टोंक से, अर्चना शर्मा को मालवीय नगर से फिर से टिकट दिया गया है। और इससे जुड़ी दूसरी खबर